हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मित्रों, 27 अक्टूबर को दीपावली का पावन त्यौहार है और इस त्यौहार पर एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत खास है। इसकी तैयारी आप पहले से कर लें। ये काम प्रिंटिंग से संबंधित है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब दिवाली की पूजा में आप लक्ष्मी जी का जो पाना होता है ना, जिसमें कि चित्र बने हुए रहते हैं, वो शगुन के तौर पे रखते हैं। वैसे तो मूर्तियाँ भी होती हैं, तस्वीरें भी होती हैं, सब तरह के चांदी सोने सब तरह के आप लक्ष्मी जी का तस्वीर रखते हैं या मूर्ति रखते हैं, लेकिन पाना रखना बहुत शुभ होता है। पाना एक बेसिकली कागज़ होता है जिसमें कि लक्ष्मी जी और गणेश जी और सरस्वती माता की तस्वीर होती है। आमतौर पर जो बिजनेस सेक्टर होता है, वो लोग अपना जो कंपनी का नाम होता है या कंसर्न जो उनकी होती है, उसको प्रिंट कराकर ये पाने भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अखबारों के साथ में भी पर्टिकुलर कुछ खास अखबार वाले इसको प्रिंट कराते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी, वैसे तो ये आपकी इच्छा पर है क्योंकि मैं बाध्य नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन आपको मैं सही जानकारी देना चाहती हूँ। जिस पाने को आप पूजा में रखते हैं और उसमें जो नाम प्रिंट होता है, उसकी जब आप पूजा करते हैं तो उस संस्था को फ़ायदा होगा, ना कि आपको। तो इसी का सुझाव मैं दे रही हूँ कि आप अपनी कोई कंपनी है या कोई आप NGO चलाते हैं या घर में आपका कोई पार्लर है या कोई भी छोटा मोटा उद्यम आप करते हैं, तो उस नाम को आप पाने पर प्रिंट करवा लें और उसको फ्रेम करवा के या वैसे ही दीवार पर चिपका कर या रख कर पाटे पर आप उसकी पूजा करें। ऐसा करने से ना केवल आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपका जो आपकी जो संस्था है, आपका जो बिजनेस है, उसको भी ग्रो होने में मदद मिलेगी और आपकी तरक्की होगी। कभी भी किसी दूसरे के प्रिंट किए हुए पाने को पूजा में ना रखें, इससे उसको फ़ायदा होगा जिसका नाम प्रिंट है, ना कि आपको। ये बहुत ही दुर्लभ जानकारी है जो कोई आपको नहीं देगा। ऐसा आप करके देखना जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।